नवी और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पैसा, धन, रोकड़ा, माया, दौलत, शोहरत, व्हाटएवर। तो इसके बाद कैसा होता है कि मतलब मर्चेंट नेवी जो फील्ड है ना, ऑब्वियसली सबको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, सबको लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ी, बंगले, घोड़े, सब कुछ, यू आर गेटिंग माय पॉइंट राइट, सब कुछ खरीद लेंगे। सो ऐसा फैक्ट है और ये बात प्रूव हो चुकी है, बिकॉज मैक्सिमम जितने भी लोग हैं जो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड हैं, आज उनकी जो कंडीशन है वो मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल वेरी हाई है। और वैसा क्यों है? क्योंकि हमारी इस फील्ड में पैसा कितना है वो हम खुद ही नहीं बता सकते, यानी कि आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, यानी कि कोई लिमिट नहीं है पैसे की। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है, जो कि मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। गाइस, वोटिंग का टाइम है, सो प्लीज़ वोट फॉर मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये मेरी तुमसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, ओके? एंड चलो ये तो हो गई वो बात। और पैसा इतना क्यों है इस फील्ड में, सबसे बड़ी बात तो क्या होता है ना गाइस, जो मर्चेंट नेवी तुम्हारी होती है फील्ड, वो है तुम्हारी बैकबोन इस चीज़ की। जो भी तुम्हारे यहाँ पे काम चलते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, यानी कोई भी सामान ट्रांसफ़र करना है, कोई भी क्रूड ऑयल लेना है, कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई गैस लेके जा रहा है, कोई ह्यूमन सप्लाई कर रहा है, सो उसमें इतना पैसा क्यों रहता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो 1-2 लाख रुपये इट्स लाइक अ कॉमन सैलरी, ठीक है, वो कॉमन सैलरी है। 1-2 लाख तो कोई भी आराम से ले सकता है, वो छोटी रैंक में हो, चाहे वो बड़ी रैंक में हो, चाहे वो टॉप रैंक में हो, चाहे वो मतलब फायरिंग रैंक में, किसी में भी हो, तो वो आराम से ले सकता है, ठीक है। इसको ये सबसे ज़रूरी था जानना आप लोगों के लिए कि आखिर मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी क्या। अभी जब तुम करियर स्टार्ट करते हो तुम्हारा, जैसे कि मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था, सो मेरी सैलरी अराउंड 15,000-20,000 ऐसी रहती थी, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था और साथ में मैं काम भी कर रहा था, तो मैं सीख भी रहा था और पैसे भी कमा रहा था, सो ऐसे सिस्टम था। अभी मोस्ट ऑफ ऑल क्या है, जो तुम लोग ट्रेनिंग में हो या कुछ लोग ऑलरेडी जा रहे हैं या कुछ लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तुम्हारे क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे पास। अब तुम्हारा क्वेश्चन आया था कि जीपी रेटिंग से ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं, तो ऑफ कोर्स द आंसर इज यस, तुम बिल्कुल जीपी रेटिंग से ऑफिसर भी बन सकते हो। क्योंकि इस फील्ड में क्या है ना, इसमें तुम्हारा कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस काम नहीं आने वाला, इसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस काम आने वाला है जो तुमने शिप पे अर्न किया है, यानी जो तुम शिप पे पढ़ाई कर रहे हो, जो तुम शिप पे स्टडी कर रहे हो, वो ही तुम्हारे आगे काम आने वाला है और उसी की वजह से तुम आगे जाओगे। अब इसमें ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो ये फील्ड है ये औरों से बिल्कुल अलग फील्ड है। ऐसा नहीं है कि जो तुम वहाँ पे स्कूल में स्टडी किया तुमने, उसका बेसिक वाली फैक्टर काम आता है इसमें। बेसिक इन द सेंस क्या होता है, अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आएगा, तो बेसिक इन द सेंस का मतलब ये होता है कि जो तुमने 10th और 12th में स्टडी की है, लाइक तुम्हारी मेजरमेंट जो है, तुम्हें मेजरमेंट का पता है, व्हाट इज़ सेंटीमीटर, व्हाट इज़ मीटर, व्हाट इज़ टन, व्हाट इज़ मीटर क्यूब, व्हाट इज़ सो मेनी थिंग्स ना, सो ये सारी जो तुम्हारी कैलकुलेशंस है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे यहाँ पे काम आती है, बेसिक थिंग। अब जब तुम किसी शिप पे ज्वाइन करते हो या जब तुम किसी मर्चेंट नेवी में पहली बार किसी फील्ड में जाते हो, तो उसमें तुम्हारा यही सब जो है बेसिक फैक्टर ही काम आता है और वही तुम्हें सैलरी अर्न करने में तुम्हारी हेल्प करता है। अब मैक्सिमम सैलरी जो है वो इसे मैं तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर मैंने भी आज तक इसमें नहीं देखा है। जो भी तुम्हारी सैलरीज होती है ना, वो वेरीज करती है कंपनी टू कंपनी के ऊपर। तुम्हारी कंपनी का स्टेटस कैसा है डिपेंड करेगा तुम्हारी सैलरी कैसे मिलेगी। अगर तुम्हारी कंपनी का स्टेटस हाई है तो ऑफकोर्स तुम्हारी सैलरी हाई रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें बताता हूँ, रॉयल कैरेबियन क्रूज एक कंपनी है, ठीक है, वो जो क्रूजिंग वगैरह करते हैं, जो क्रूज के शिप्स होते हैं उस पर काम करते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है, आपको 15 डेज में सैलरी मिलती है। लाइक तुम अगर एक महीने के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हें 15 डेज में सैलरी मिलती रहती है, हाफ ऑफ करके। अब उसमें भी सैलरी जो है जीपी रेटिंग में तुम जाओगे, तुम्हारी सैलरी 1,00,000-1,20,000 इजीली तुम्हारी हो सकती है। अब वो पैसा जो है तुम्हें पूरा सेव करना है, तो तुम कैसे करोगे? ऑब्वियसली वो टैक्स फ्री है, दैट इज़ द वन थिंग। पर वो टैक्स फ्री क्यों है, ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि टैक्स फ्री आखिर गवर्नमेंट ने क्यों किया है। अब तुम मेरे नहीं में आएगी, क्योंकि टैक्स फ्री है तो मतलब वो कैसे है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो 6 मंथ्स के बाहर, यानी जो 180 डेज तक तुम अगर शिप पे रहते हो और उसके बाद तुम बाहर जाते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि 6 महीने तक अगर तुम किसी कंट्री में हो तो वो पैसा तुम्हारा फ्री रहता है, वो पैसा तुम्हारा वाइट हो जाता है। जो 181 या 182 डेज का जो सर्कुलेशन है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है सर्कुलेशन, उसके अकॉर्डिंग तुम अगर काम करते हो तो तुम्हारे ऊपर 1% भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं है, तुम्हारा सारा पैसा वाइट रहेगा। अब अगर तुम जैसे 9 महीने में आते हो, लाइक बहुत सारी कंपनीज है जो स्टार्टिंग में फ्रेशर्स को 9 मंथ की जो है ट्रेनिंग देती है, तो कितने रुपये तुम कमा सकते हो, तो 9 महीने में अराउंड 9 लाख रुपये तुम्हारे हो जाते हैं, अगर तुम्हारी 1 लाख सैलरी के हिसाब से लगाओ। अभी कॉमन सैलरी है, यानी 2-3 कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुम्हारी सैलरी इतनी हो जाती है, ठीक है, स्टार्टिंग में 25, देन 55, देन 75, देन 1 लाख,
तो ऐसे सैलरी बढ़ती रहती है। अब उसके बाद तुम्हें एग्ज़ाम देने होते हैं, लाइक 36 मंथ तुमने कर लिया, 30 मंथ तुमने कर लिया, उसके बाद तुमने एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम जो है वो तुम्हारा जी पी रेटिंग का जो 30 मंथ का एक सर्कुलेशन है उसको कम्प्लीट करने के बाद तुम एग्ज़ाम के लिए जाओगे, ठीक है। तो ये इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है, जी पी रेटिंग 30 मंथ एंड देन गो फॉर एग्ज़ाम। सो एग्ज़ाम तुमने दे दिया, अब तुम क्या बन जाओगे? एग्ज़ाम देने के बाद तुम डॉन बन जाओगे, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है जॉब से पार्ट। सो एग्ज़ाम देने के बाद ओबियसली तुम्हें डॉन वाली फीलिंग आएगी, बिकॉज तुम एक ऑफिसर बन जाओगे उस टाइम तक, और उसके लिए अराउंड 6-7 मंथ्स का टाइम रहता है। अगर तुम फेल होते हो तुम्हें अगेन दोबारा करना पड़ता है, सो दोबारा अटैम्प्ट रहते हैं तुम्हारे पास, लेकिन कोशिश करो कि वो अटैम्प्ट तुम्हें यूज़ ना करने पड़े और तुम उसके पहले ही तुम क्लियर कर दो। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? जब भी तुम किसी कंपनी के लिए जाओगे, तुम्हारी एग्जामिनेशंस का, तुम्हारा COC का कच्चा चिट्ठा लेकर, तो वो तुम्हारा ये नहीं देखेगा कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, है ना, कितने अच्छे दिखते हो, माय गॉड यू लुक सो लवली फैंटास्टिक, नहीं ये सब नहीं देखेगा ऑफकोर्स किसी को, वो देखेगा कि तुमने कितने अटैम्प्ट में COC पास की है। इसलिए गाइस बहुत ज़रूरी है, इसको माइंड में रखो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हो, मन लगा के, तन लगा के, धन लगा के पढ़ाई करो, लड़कियों से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हें आगे जाना है, तुम्हें आगे जाके बहुत लड़कियाँ मिल जाएंगी। सो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मिलगी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे कोई लड़की नहीं मिली भाई, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अकेला खुश हूँ। सो वैसे भी क्या है, जब तुम 18 ईयर्स की एज में इस फील्ड में आते हो ना, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक दिमाग उस जगह से हट जाता है, चलो लड़कियों से जो फालतू बोल रहे हैं, जो तुम्हारे रिलेटिव कह रहे हैं, अरे मर्चेंट में जा रहा है, अरे तुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, जो होना था वो हमसे हो गया, हमने कमा कमा के भर दिया, भाई तू क्या करेगा, तेरी क्या वो है, क्या औकात है कि तू जाके वहाँ कमाएगा। तो गाइस ट्रस्ट मी, ऐसे लोग भी तुम्हें मिलेंगे, बिकॉज मुझे भी मिले थे, सो आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो तुम उनसे मत डरना, उनका काम सिर्फ बोलना है, वो बोल के चुप हो जाएंगे, जो कुछ करना है तुम्हें करना है, आगे जाके करना है। सो गाइस उस पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो बाकी चीज़ों पर मारो बोली यार, तुम्हें करियर बनाना है तुम्हारा, तुम्हें बहुत आगे जाना है, ठीक है। और आगे जाने की हमेशा जो पहली सीढ़ी होती है वो छोटी होती है, उसके बाद ही तुम आगे जाते हो। तो गाइस ऐसा है, उसके बाद तुम एग्ज़ाम निकाल लेते हो। आज मैं पूरा ब्रीफ स्टडी बना रहा हूँ मर्चेंट नेवी के ऊपर, ताकि तुम्हें हर एक चीज़ धीरे धीरे करके समझ में आ जाए, जो कि मेरा मेन मोटिव है तुम लोगों को समझाना। बहुत सारे मेरे बेचारे भोले रिव्यूअर्स हैं, उनको बहुत लोग पागल बना देते हैं कि मर्चेंट नेवी में ऐसा होता है, मर्चेंट नेवी में वैसा होता है, बहुत जहाज डूब जाते हैं, बहुत जहाज़ों पे आग लग जाती है, दुनिया मर जाती है, ख़त्म हो गई दुनिया। तो ऐसा कुछ नहीं है ऑफकोर्स। देखो ऐसा है कि रिस्क हर लाइफ में होता है यार, अगर तुम इसमें कमा रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। और तुम लैंड पे चल रहे हो, तुम कोई गाड़ी आके मार गई तो यार वो भी तो रिस्क है, उस चीज़ को दिमाग में लाओ ना। तुम सोचते हो कि मतलब जहाज़ तो पानी पे चलता है, और पानी में अगर डूब गया तो पहली बात तो ये कोई टप्पू बोट नहीं है जो मतलब तुमने पानी में तैरा दी और वो डूब गई, या तुम्हारी कोई पेपर वाली बोट नहीं है जो बच्चे बना के तैराते हैं बारिश में, है ना, तो वो तो है नहीं है। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग एक्सपीरियंस। व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंस, दिस इज़ अ वेरी गुड फील्ड, एडवेंचरस फील्ड है, एक मज़ा आता है काम करने में, एक जुनून रहता है अंदर की यार ये करना है, वो करना है, ये पाना है, वो पाना है। मतलब बहुत सारे सपने होते हैं इंसान के अंदर जब वो मर्चेंट नेवी की तरफ देखता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में। सो गाइस ये सब चीज़ें दिमाग में रखो तुम, बाकी सब चीज़ों को फेंक दो, जो तुम्हें बोल रहे नहीं कर सकते उनसे बस एक सवाल करो कि क्यों नहीं कर सकते। अगर आपने किया है तो आप भी तो इंसान की औलाद है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें भगवान ने अवतार बना के भेज दिया कि जाओ बेटा तुम्हारे लिए दरिया इंतज़ार कर रहा है, तो सीधी सी बात है ऐसा तो कुछ है नहीं, है तो वो भी इंसान ही है ना, तो उसने कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते। सो ये सब चीज़ें जो है जो तुम्हें अलग करती है इन चीज़ों से, उन चीज़ों को तुम दूर रखो और मेरी बातों पे ध्यान दो, ठीक है। आगे बढ़ो, मंजिल को पाओ, और अगर मैं तुम्हें कहीं मिलूँ तो मुझे पार्टी दे देना अगर तुम्हारा काम हो जाए तो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए तुमसे, वो भी चलो नहीं चाहिए यार, मैं वैसे ही बड़ा खुश हूँ। तो गाइस ये तो था तुम्हारा बिग स्टडी, और इसमें क्या है कि तुमने जैसे कर लिया और तुमने ऑफिसर का एग्ज़ाम दे दिया, जो मैं पीछे वाली बात है उसको आगे लेके आ रहा हूँ। सो ऑफिसर का एग्ज़ाम अगर तुमने दे दिया तो उसके बाद सैलरी क्या रहेगी? गाइस उसके बाद तुम लोग हवा में रहोगे, उसके बाद तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सैलरी 2-3 लाख से स्टार्ट हो जाएगी, और 2-3 लाख से जाते जाते वो मैक्सिमम 12 लाख भी पहुँच सकती है, मैक्सिमम 13 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक भी जा सकती है सैलरी, क्योंकि होती है नॉर्मली, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी बड़ी कंपनी का स्टेटस होगा उतना बड़ा तुम्हारा सैलरी का स्टेटस होगा, तो सीधी सी बात है। लाइक कंपनी का प्रोफाइल हमेशा चेक करते रहो जिस भी कंपनी में तुम जा रहे हो, ठीक है। अभी तुम कोर्स कर रहे हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जीते रहो बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, और एक दिन मेरी जगह पे आओ, ठीक है। और मेरी जगह पे आके बहुत बड़े स्टार तो नहीं हूँ मैं वैसे, पर तुम बन सकते हो, जो मैं हूँ वो तुम भी बन सकते हो,
सो बहुत अच्छी लाइफ है यार, बहुत मज़ा आता है बाद में। मतलब जैसे घर जाऊँगा मैं, तो घर जाके मुझे सिर्फ एक ही काम रहता है, मुझे सिर्फ पार्टी करनी होती है। पार्टी करता हूँ, घर वाले बोलते रहेंगे बेटा मत करा कर, बेटा ये नहीं, लेकिन उनके मन में ही रहेगा कि यार चलो ये चार महीने पाँच महीने जो भी करके आता है काम से पढ़ रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस बहुत अच्छा लगता है जब किसी भी जगह पे तुम तुम्हारा एटीएम निकाल के यूज़ करते हो, हाँ भाई क्या हुआ, अरे यार ये करना है, ले यार तो भाई का एटीएम ले ऐश कर। तो मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है तुम्हारे साथ में, एक रिस्पेक्ट बनती है सबकी आइज़ में तुम्हारे लिए। सो दिस इज़ माई ब्रीफ स्टडी ऑन मर्चेंट नेवी, और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जिसको ज़रूरत है उसको ये वीडियो पहुँचा देना। यही मेरा मेन मोटिव है, यही मेरा मेन मकसद है कि तुम सबकी हेल्प हो सके, लाइफ में आगे जा सको, एक इज्जत कमा सको। और जो भी तुमसे बोलता नहीं कर सकते उसके साथ बस क्यों जोड़ देना कि तुम क्यों ऐसा कह रहे हो, मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, तुम सब कुछ कर सकते हो यार, तुम हो तो हम हैं तो सब है, मतलब ऐसा कोई डायलॉग सुना था मैंने, तो जोक्स अपार्ट। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन ऑफ माइंड ऑफ ब्रीफ स्टडी ऑफ मर्चेंट नेवी। सो दिस इज आकाश मर्चेंट नेवी टेकिंग साइन ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ ग्रेट डे।